नौकरी के नाम पर साइबर ठगी। जी हां, फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करते थे। इस गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी करने का आरोप है और देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ठग गिरोह का भंडाफोड़, नौकरी के नाम पर 335 लोगों से ठगी, फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे आरोपी, 21 राज्यों की पुलिस को थी तलाश, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। साइबर थाना एनआईटी की टीम ने एयरलाइन कंपनी एयर एशिया में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर देश भर में 335 वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान यूपी के बिजनौर निवासी ललित, संभल निवासी मोहम्मद फहीम और दिल्ली के दरियागंज निवासी मुतीब अहमद, मोहम्मद फयाज और शहबाज अहमद के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस अन्य 2 ठगों की भी तलाश में जुट गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आरोपियों ने कौन से राज्य में कितनी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश में 118 वारदातें, राजस्थान में 33 वारदातें, तेलंगाना में 33 वारदातें, गुजरात में 27, दिल्ली में 24, केरल में 19 और हरियाणा में 8 वारदातों को ये बदमाश अंजाम दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 24 जून को साइबर पुलिस थाना एनआईटी में सुभाष ने बताया था कि उन्हें एयरलाइन में नौकरी के लिए ऑनलाइन सर्च किया था। आरोपियों ने उससे 6,80,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तब साइबर टीम ने 5 आरोपियों को उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि अब तक आरोपियों के 7 खातों में से 50 लाख से ज्यादा का लेन देन पाया गया है। इस हिसाब से सभी वारदात में करोड़ों की ठगी का अंदेशा है। फिलहाल जाँच अभी जारी है। सुभाष मौर्य जी हैं, जो हमारे कंप्लेंट थे, एनआईटी के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी थी कि बोल भाई, मैंने अपना जो डाटा है नौकरी के लिए रिज्यूम डाला था sign.com पर, naukri.com, sign.com जैसा कि रिज्यूम लेती हैं, और उस पर रिज्यूम डालने के बाद मेरे पास कॉल आती है कि बोल भाई, हम आपको नौकरी लगा देंगे। नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या नौकरी पे, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद कई ऐसे स्टेप्स बनाकर उन्होंने स्टेप्स के नाम पर 3 अलग अलग खातों में उनसे 6,80,000 रुपये ले लिए थे, जो एयर एशिया में उसको वेंडर या ग्राउंड्समैन या इसी प्रकार की कई और नौकरियों का लालच दिया गया था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली के शाहदरा में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और एक वेबसाइट के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करते थे। इसके बाद व्यक्ति से संपर्क कर उन्हें एयरलाइन कंपनी एयर एशिया में बहुत अच्छा सैलरी पैकेज का लालच देते थे। झांसे में आने के बाद फिल्मी अंदाज में नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता था और फिर उनको बताते थे कि आपका चयन हो गया है, जल्द ही आपके घर ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद व्यक्ति को यकीन हो जाता था कि एयरलाइन कंपनी एयर एशिया में उसकी नौकरी लग गई है। उसके बाद आरोपी अपनी साजिश को अंजाम देते थे। वो लोगों से पंजीकरण फीस, सिक्योरिटी चार्ज, मेडिकल चार्ज और ट्रेनिंग करवाने के नाम पर अलग अलग बहानों से पैसे मांगते थे और फिर खातों में ट्रांसफर होने के बाद मोबाइल बंद कर लेते थे। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, एक चेकबुक और 3,97,000 रुपए बरामद किए हैं। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।